नमस्कार, जीजिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। ट्रंप पर हमला करने वाले का माइंडसेट पीएम मोदी जैसा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत के खिलाफ उगला जहर, साथ ही उसने घटना की निंदा भी की। प्रियंका गांधी का तीखा वार, मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर पीएम मोदी से सवाल, कब जागेंगे? पिछले साल से ही मणिपुर जल रहा है, केंद्र की नींद नहीं टूट रही, कब खत्म होगी ये बेपरवाही? ये पीएम मोदी का भारत है, या तो आतंकवादी नर्क में जाएं या 7 फीट नीचे दफनाया जाए, कश्मीर में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय। यूएई के उप प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी के दोस्त जायद अल नाहन, विदेश मंत्री ने दी बधाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। भगवान जगन्नाथ ने डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई, इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का दावा, 48 साल पहले ट्रंप ने जगन्नाथ रथ यात्रा को बचाया था, आज जगन्नाथ ने उनका एहसान चुकाया। अजीत पवार का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र महायुति सरकार 2.5 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाओं और लड़कियों को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर देगी, राज्य में महिलाओं के लिए बड़ी राहत। पूजा खेड़कर के बाद अब पूर्व IAS अभिषेक सिंह पर उठ रहे सवाल, विकलांगता दावे को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए। ओडिशा के लोगों से किया वादा, पीएम मोदी ने पूरा किया, रतन भंडार खोले जाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 की मौत, कई घायल। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम हेमंत सोरेन, जेल से रिहा होने के बाद पहली मुलाकात, झारखंड के विकास पर हुई चर्चा। संविधान विवाद के बीच केंद्र का बड़ा कदम, हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च करेगी, नागरिकों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए। प्रयागराज में मंगलवार को संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर उद्घाटन होगा, विपक्ष के आरोपों के बावजूद केंद्र सरकार की नई पहल। मोहर्रम जुलूस विवाद, तजियों की ऊंचाई पर सरकार के आदेश से बवाल, स्पा सांसद जियाउर रहमान का सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले स्पा सरकार आई तो आदेश खत्म। AIMPLB की धमकी, कावड़ यात्रा, रामनवमी जुलूस रोकेंगे। SBI ने कर्ज पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की, जिससे होम और ऑटो लोन की EMI बढ़ेंगी, नई दरें 15 जुलाई 2024 से लागू होंगी। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। यूपी BJP में हलचल, डिप्टी CM केशव मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में कहा, जो आपका दर्द वही मेरा भी। लोकसभा चुनाव परिणाम पर कार्यकर्ताओं का पक्ष लिया, JP नड्डा के समक्ष बयान ने खलबली मचा दी, क्या यूपी BJP में कुछ गड़बड़ है? दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बवाल, CM धामी ने कहा, धाम सिर्फ उत्तराखंड में, दिल्ली में मंदिर बन रहा है धाम नहीं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को दिए जरूरी दिशा निर्देश, उत्तराखंड सरकार का हस्तक्षेप। KP शर्मा ओली 4थी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने एक्स पर दी धमाकेदार बधाई। मोदी ने कहा, दोनों देशों की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के समर्थन से ओली की नियुक्ति, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडल ने सौंपी कमान। भाजपा कार्यकर्ताओं को मिली कॉन्फिडेंस की डबल डोज, नड्डा योगी ने दी फ्रंट फुट पर खेलने की सलाह। गुजरात में GST कमिश्नर ने महाराष्ट्र में खरीदा पूरा गांव, 5 अधिकारियों को NGT का नोटिस। दिसंबर तक मिल सकता है भाजपा को नया अध्यक्ष, 1 अगस्त को सदस्यता अभियान से शुरू होगी प्रक्रिया। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रयागराज पुलिस का बड़ा प्लान, कुंभ के दौरान वाहनों पर AI से होगी निगरानी। MP के BJP विधायक का छात्रों को गजब सुझाव, कॉलेज डिग्री बेकार, मोटरसाइकिल पंचर की दुकान खोलो। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देकर वर्तमान शिक्षा पर सवाल उठाए, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन पर दिया बयान। कांग्रेस MLA की अमित शाह से भावुक अपील, मुझे Y+ सुरक्षा दें, नहीं तो नक्सली मार डालेंगे। बिंद्रानवा गढ़ के विधायक महीनों से डर के साय में, सुरक्षा मांगे अनसुनी, नक्सली हमले का खतरा बढ़ा। असम पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज, जानवरों को अवैध रूप से इंजेक्शन लगाने का आरोप। सेहत, रोज मल्टीविटामिन लेने से मौत का खतरा 4% अधिक, आयु लंबी नहीं होती फिर भी महिलाओं में बढ़ रहा प्रयोग। अनंत राधिका की शादी पर धमाकेदार ट्वीट से हड़कंप, मुंबई पुलिस अलर्ट, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की सुरक्षा कड़ी, संदिग्ध एक्स यूजर की पहचान के लिए पुलिस ने जांच तेज की। राज्यपाल CV आनंद बोस का बड़ा खुलासा, राजभवन में कोई विधेयक लंबित नहीं,
पश्चिम बंगाल सरकार का दावा खारिज, बोले छह विधेयक राष्ट्रपति के पास, एक विचाराधीन, एक पर स्पष्टीकरण का इंतजार, सर्वोच्च न्यायालय का रुख गलत। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को देंगे 8,000 क्यूसिक पानी। कावेरी बेसिन के बांधों में सिर्फ 63% पानी, हर दिन 11,500 क्यूसिक पानी छोड़ना असंभव। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नया तरीका, स्मार्ट मोबाइल फोन झपटकर पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क, जंगलों और सुनसान रास्तों पर वारदात, सेना के काफिले पर हमले बढ़े, सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए फोन चोरी का सहारा। असम में बड़ी कार्यवाही, धोखाधड़ी के आरोप में पीएसयू बैंक कर्मी गिरफ्तार, सेवानिवृत्त डीआईजी के खाते से 26 लाख की चोरी। वहीं नशा तस्करों पर भी शिकंजा, 17 करोड़ की हेरोइन जब्त, पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। भुजबल का शरद पवार पर हमला, बारामती से फोन आने के बाद आरक्षण बैठक में नहीं आए एमवीए नेता। विपक्षी नेता विजय वेडेटीवार ने एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आह्वान को बुलाया था, शरद पवार को भी लाने को कहा था। अजित पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल अचानक शरद पवार से मिले। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, कल भुजबल ने पवार पर मराठा आरक्षण भड़काने का आरोप लगाया था। मुलाकात का एजेंडा अस्पष्ट, बिना सूचना के पहुंचे, क्या ये मराठा आरक्षण पर चर्चा है या कुछ और? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तीखा हमला, झूठ का जाल बुन रहे 4 साल से 8 करोड़ नौकरियों का दावा फर्जी। खड़गे ने 3 सवाल पूछे। पहला, एनआरए ने एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? दूसरा, फंड का उपयोग क्यों नहीं हुआ? तीसरा, क्या एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवाओं से आरक्षण का हक छीना जा रहा है? भाजपा आरएसएस पर शिक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। एनटीए की धांधली, पेपर लीक और घोटाले का भी जिक्र। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया था, पर मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। लखनऊ में मकान बचाने की अनोखी अपील, बच्चों ने सीएम योगी से गुहार लगाई, सीएम अंकल हमें बेघर मत करिए। पंतनगर में मकानों पर लाल निशान के बाद बच्चों ने सड़क पर रजिस्ट्रियां दिखाई, मकान टूटने पर पढ़ाई और जीवन प्रभावित होगा, अभिभावकों और बच्चों का आंदोलन जारी। सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान, बीआरएस विधायकों ने कांग्रेस की विचारधारा और विकास के विजन से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। पूर्व बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, तेलंगाना पर 7 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाया, हम हर महीने 7,000 करोड़ की किस्त चुका रहे हैं। भाजपा और बीआरएस पर बेवजह आरोप लगाने का आरोप। सचिन पायलट का बयान, राजस्थान में बीजेपी सरकार असमंजस में, मंत्री इस्तीफा दे रहे, कानून व्यवस्था विफल, भजनलाल सरकार के मंत्री का सचिन पायलट पर पलटवार, सचिन पायलट को ज्यादा पता है कि 5 साल उनकी क्या दुर्दशा हुई है, उनको क्या क्या दिन देखना पड़ा, वो कहां कहां घिरे रहे, ये वो ही बता सकते हैं। केरल में 59 वर्षीय रवि नंदन नायर इलाज के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में 2 दिन तक फंसे रहे, लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई और नहीं खुली, कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट कर्मियों ने उन्हें रेस्क्यू किया, पुलिस ने घटना की जानकारी दी। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दैया की यूरोप में लूटपाट के बाद बड़ी राहत, इंडियन एम्बेसी की मदद से जल्द भारत लौटेंगे। इटली के फ्लोरेंस में कार से पासपोर्ट चोरी हो जाने के बाद कपल फंसा था, सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी दी, अब घर वापसी सुनिश्चित हुई। अयोध्या में राम मंदिर कैंपस में बनेगा भव्य गोस्वामी तुलसीदास मंदिर, मुरारी बापू की मांग को मंजूरी मिली, 70 एकड़ के परिसर में 16 मंदिरों का निर्माण होगा, जिसमें 6 देवी देवताओं के मंदिर, सप्त मंडप में 7 मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिर शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1,000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।